हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। इंडियन नेवी की तरफ से SSR में मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली जॉब होती है, ग्रुप सी का पोस्ट होता है। पोस्ट की बात करें तो मेडिकल असिस्टेंट है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उसमें भी अनमैरिड मेल, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स को। लेकिन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, या फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक चाहिए, दोनों चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहाँ पर भी जा करके फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो अप्लाई करने का डेट रहेगा ना, 7th of September to 17th, मतलब 10 दिन का समय दिया जाएगा। 7 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। फॉर्म की जो फी रहेगी ना, 0 rupees फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, मतलब कि कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। साथ ही साथ ना नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया कि आपका एग्ज़ाम क्या होगा, अक्टूबर 2024, मतलब कि सितंबर में फॉर्म भरो और नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी होगा। यही नहीं फ्रेंड्स, बहुत इसका जो है ना फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जैसे आपको पता है अक्टूबर में ही आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, तो कैसे क्या होगा वो तो आपको एंड तक देखना है तो पता चल जाएगा। देखिए फिलहाल मैं बता दूं कि इसका जो एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा है 17.5 years to 21 years, यानी कि 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो बॉर्न बिटवीन 1st of November 2003 से लेके आपका 30 April 2007, यानी कि 1 November 2003 से 30 April 2007 तक जिनका भी बीच में बर्थ हुआ है, वो सभी बच्चे इलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली जिन्होंने भी 10+2 यानी इंटर पास कर रखा है, वो सब अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके साथ ही नोट बना के लिखा हुआ था कि देखिए, आपका 10+2 में PCB सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मिनिमम 50% आपका स्कोर होना ही चाहिए, मतलब कि इंटर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से होना चाहिए, PCB से, और ओवरऑल 50%। लेकिन सब्जेक्ट में बात करें तो हर सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजिक्स है तो उसमें 40% होना चाहिए, केमिस्ट्री है तो उसमें भी 40%, और बायो है तो उसमें भी, तीनों में 40-40% होना चाहिए। अब ये नहीं कि फिजिक्स में 40% है बाकी के दो में नहीं है, ओवरऑल तो आपका कम से कम 50% रहेगा ही। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 4-stage सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एट फर्स्ट स्टेज से यू हैव टू क्वालिफाई द ऑनलाइन CBT, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा उसमें क्वालिफाई कर जाओगे। तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज पे आपका DV यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। एंड लास्टली आपका बेसिक सा मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। सबसे खास बात ये होती है ना कि इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो जानेंगे उसके बारे में भी डिटेल से, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्ज़ाम का जो लेवल होता है ना, 10+2 लेवल रहता है। यानी कि अब देखिए, 12वीं पास के लिए वैकेंसी आई है तो 12वीं लेवल का आपका परीक्षा रहेगा। और अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 100 होंगे, मार्क्स रहेंगे 100, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलेंगे। टाइम रहता है 1 आवर, यानी 1 घंटे की परीक्षा होगी। एंड देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। हालांकि इसके विषय में नोटिफिकेशन में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन पहले का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बेसिस पे मैंने देखा तो पता चला कि इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग होता है। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो इंग्लिश से 25 यानी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के 25 यानी 25 प्रश्न है, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, लास्टली GK यानी कि जनरल नॉलेज से आपका और रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। अब
लैंग्वेज ऑफ पेपर की बात करें ना, तो एग्जाम आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, अच्छे से आता है, उसमें आप आंसर कर सकते हो। बट यहाँ पर जो इंग्लिश है इसको इंग्लिश में ही सॉल्व करना है, अदर जो भी क्वेश्चन है आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में। सो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में, जब इसमें क्वालिफाई हो जाओगे तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए पहले ही आपको क्लियरली बोल दिया है कि ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेल यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए है, उसमें भी जो अविवाहित पुरुष है, अनमैरिड मेल्स हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो इसमें जो हाइट का मेजरमेंट होगा 157 सेंटीमीटर रहेगा, 157 सेंटीमीटर। चेस्ट का ये नहीं है कि 80 से 85 है या 76 से 81 है, नहीं, बस आपका ना 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका रनिंग यानी 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि कंप्लीट करना है 6 मिनट एंड 30 सेकेंड में, 6 मिनट 30 सेकेंड। फिर आपका स्क्वाट्स होता है यानी उठक बैठक 20 लगाने होते हैं, पुशअप्स रहेगा 15, एंड लास्टली बेंट नी सीटअप, मतलब जो मुर्गा बनते हैं ना उस ढंग से आपको घुटना पे आधा बैठना होगा, वो आपको 15 लगाना होता है, ठीक है। तो ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया। तो फिजिकल में आप जब क्वालिफाई हो जाओगे तो क्या होगा, डीवी एंड बेसिक सब मेडिकल होगा। तो कब तक कैसे क्या प्रोसेस होगा, देखिए पहले ही बता दिया कि ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, और साफ साफ नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि आपको ट्रेनिंग के लिए नवंबर बुला लिया जाएगा, मतलब कि आपका जो रिजल्ट पब्लिश होगा दोनों चीज़ का अर्ली अक्टूबर या सॉरी लास्ट अक्टूबर या फिर अर्ली नवंबर, मतलब कि अक्टूबर के एंड होते होते आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, या फिर नवंबर के पहले वीक में, और फिर नवंबर में ही आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो आपका जो ट्रेनिंग होगा ना, INS चिल्का उड़ीसा में आपका ट्रेनिंग होगा, जो कि नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, तो देखिए इस पोस्ट के लिए ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा सैलरी नहीं दिया जाता है, 14,600 यानी 15,000 के तकरीबन ट्रेनिंग के समय आपको दिया जाएगा। बाद में क्या होता है ना कि आपको 21,700 से लेके 69,100, मतलब कि 22,000 से लेके आपका 70,000 तक रहता है। बट एज यू नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी डिफेंस सेक्टर में जॉब करते हैं, इन स्टार्टिंग, मतलब कि स्टार्टिंग, अब आप ये मत समझ लेना कि ट्रेनिंग के दौरान तो आपको 50,000 पर मंथ के अप्रॉक्स मिल ही जाएगा। बाद में क्या होगा ना कि आपका स्टार्टिंग होगा 35,000 40,000, तो 35,000-40,000 से शुरुआत होगा, सैलरी बढ़ते बढ़ते 90,000 के करीब जाएगा। तो देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आप इलिजिबल हो आप तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और अगर इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लेना, अदरवाइज आई थिंक कि मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। अब रही बात की इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।